हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आप सबके बीच कलौंजी का रेसिपी लेके आए हैं, मसाला भरवा बैंगन। तो ये मसाला भरवा बैंगन हमने अपने तरीके से बनाया है। ये मसाला भरवा बैंगन तो कई प्रकार से बनता है, सबका बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो ये मैं अपने तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मसाला भरवा बैंगन तो हज़ारों प्रकार से बनते हैं, उसी हज़ारों प्रकार में से एक प्रकार ये हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर इस तरह से आप भरवा मसाला भरवा बैंगन बनाएंगे तो घर में जो नहीं खाता बैंगन वो भी खाने लगेगा। और हमारे हस्बैंड नहीं खाते थे बैंगन, लेकिन हमने इस तरह से बनाया तो उनको बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। तो चले फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मसाला भरवा बैंगन। भरवा बैंगन बनाने के लिए पहले से हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला में हम लिए हैं, ये धनिया है हमारा, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लेंगे, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, काश्मीरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सूखे मसालों को हम मिला लेंगे। सूखे मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसमें हम मिलाते हैं प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको इसमें मिला देंगे हम। इससे क्या है, मसाला थोड़ा हमारा गीला हो जाएगा, तो हम बैंगन में भरेंगे तो अच्छे से ये बैंगन में टिका रहेगा, नहीं तो सूखा रहेगा, तो जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो सारा बाहर निकल जाएगा। तो हम 1 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं इसमें। मसाले को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो मसाले को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और देखिए मसाला हमारा कैसे गीला हो गया है, ये बैगन में भरने लायक हो गया है। सूखा रहता तो जब तेल में जाता तो वो बाहर निकल जाता, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा, तो अभी ये बैगन में भरने लायक अच्छे से हो गया है। तो अब मसाले को रखते हैं साइड में और ये लिए हम बैगन। तो ये मीडियम साइज के बैगन है और कलौंजी के लिए आपको मीडियम साइज का ही बैगन चाहिए, बहुत बड़ा बैगन नहीं चाहिए। और हमने इसे धुल लिया था, धुलने के बाद इसे पोंछ लिया था, इसका पानी पोंछ लिया है, इसमें पानी नहीं है। तो अब हम इसे कट लगाएंगे और ऐसे और कट लगा के इसे हम देखेंगे कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए बैगन हमारा एकदम बढ़िया है, कीड़ा नहीं पड़ा इसमें, देखिए। और ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको भी हम ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें भी कीड़ा निकल जाता है, इसमें भी मिलता है कीड़ा। तो मैं इसे भी ऐसे साफ कर देंगे ताकि अगर कीड़ा हो तो पता चल जाए। तो ये देखिए हमने इसको साफ किया लेकिन इसमें कीड़ा नहीं निकला। तो इसी तरह से हम अपना बाकी का भी बैंगन जो बचा है उसमें भी ऐसे कट लगा लेते हैं। ये देखिए बैंगन हमारा एकदम क्लीन निकला है, कीड़ा नहीं है इस बैंगन में। तो इसी तरह से हम अपने बैंगन में कट लगा लेंगे। तो सारे बैंगन में हम अपने कट लगा लिया है। तो अब इसमें हम अपना मसाला भरना स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमने ये मसाला तैयार किया है, ये देखिए। बैंगन का कलौंजी कई प्रकार से बनता है, हजारों प्रकार से बनता है। तो एक प्रकार का मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और धीमे धीमे मैं आप लोग के साथ, जितना प्रकार होता है कलौंजी बनाने का मैं धीमे धीमे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए हम इसे
अच्छी तरीके से भर देंगे। जितना इसमें मसाला आएगा बैंगन में हमारे, उतना हमको इसमें मसाला भरना है। तो इसी तरह से हम अपना मसाला सारा बैंगन में भर लेंगे। आप चाहें स्पून की मदद से भरें, चाहे हाथों की मदद से भरें, तो हाथों की मदद से थोड़ा अच्छे से भर जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे हाथ से भर रही हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से हम अपना सारा बैंगन भर लेते हैं। तो सारे बैंगन में हम अपने मसाला भर लिया है, और देखिए कितने अच्छी तरीके से भरा है हमने हाथ से भरा है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें मसाला भर दिया हमने। और इतना मसाला हमारा बच गया है, ये देखिए इतना, एक टेबल स्पून के करीब होगा ये मसाला, इतना बच गया है। तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम इसी कलौजी में ही जब बैंगन इसे फ्राई करेंगे तभी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चले फिर अब अपना कलौजी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे हम फ्राई कर लेते हैं तेल में। तो फ्राई पैन हमने ले लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल हमारा अब गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपना बैंगन ऐड कर देते हैं। बैंगन हमने इसमें ऐड कर दिया, अब इसे हम ढक देते हैं, और ढक के इसे हमें पकाना है। तो बैंगन को हमने दूसरी तरफ भी पलट दिया है, हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं हम इसे फ्राई करेंगे। बैंगन बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी ये गल जाता है, तो हम इसे हल्का सा ही फ्राई कर लेंगे तेल में थोड़ा सा। तो एक तरफ हमने पलट दिया इसे, दूसरी तरफ अब ये पक जाए। तो बैंगन हमारा सॉफ्ट हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में। तो बैंगन को हमने निकाल लिया है, अब दोबारा से हम वही फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं और उसमें डाल दिया है ऑयल। अब इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है, अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन प्याज और हरी मिर्च का। हमने इसमें ऐड किया है लहसुन प्याज हरी मिर्च और अदरक, सबका पेस्ट बना लिया था हमने। और आप चाहें तो प्याज बारीक कट कर सकते हैं, तो मैं इसे इकट्ठा ही अदरक लहसुन हरी मिर्च सब इसी में पीस लिया है। प्याज हमने हल्का से भून लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं टमाटर का प्यूरी। तो अब ये जो हमारा मसाला बचा था, एक टेबल स्पून के करीब हमारा मसाला बच गया था, तो यही मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और ये काश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। बैंगन में मसाला जो भरा है हमने उसमें भी नमक ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। अब हम मसाले को भून लेते हैं, और मसाले को हमको अच्छी तरीके से भूनना है। जब ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून जाएगा तभी हमारे सब्जी में टेस्ट आएगा। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है, देखिए कैसे पैन छोड़ने लगा है, यानी मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। हम इस ग्रेवी को पका लेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से हमें इसे पकाना है। तो
ग्रेवी में हमारे उबाल आ गया है। ग्रेवी में हमारे उबाल आ गया है, ये अच्छी तरीके से उबल गया है और इसमें थोड़ा सा और ये पक भी गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना ये बैंगन, थोड़ी देर इसे हम पकने देते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारा अच्छे से पक गया और बैंगन भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो मसाला भरा हुआ बैंगन हमारा एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भरा हुआ बैंगन बनके तैयार हो गया है। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप आराम से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बना है हमारा ये भरवा मसाला भरवा बैंगन। भरवा बैंगन हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा बना है और बहुत टेस्टी भरवा मसाला भरवा बैंगन हमारा बनके तैयार हुआ है। तो कैसे लगा आप सबको ये मसाला भरवा बैंगन, और एक बार इसे आप भी ट्राई करिएगा और हमें अपना अनुभव हमें हमारे साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।